हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडेस टॉपिक इज द सेंटेंस एंड टुडे वी आर प्रेजेंट रिलेटेड टू अ सेंटेंस. आज मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस हम किसे कहते हैं. तो फर्स्टली अगर मैं बताऊँ, जैसे हम जब भी बात करते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, जब कोई भी बात कही जाती है, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू अनदर वन, मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ, तो उसको जो सेंटेंस फ्रेम होता है ना, मेक अ सेंटेंस. जैसे आप कोई भी चीज़ कही जाएगी, जैसे यू रीड अ बुक, ठीक है, यू रीड अ बुक, यू लाफ, तो इसका मीन क्या है, मैं उसे जो भी कहना चाहते हो उस पर हम मेक करते हैं, फ्रेम करते हैं कुछ वर्ड्स को, जिसका सेंस होता है, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं. जैसे आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक द कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक सार्थक अर्थ देता हो, उसको हम वाक्य बोलते हैं. एंड अनदर लाइफ में हम अनदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस, विच हैज अ कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस का मतलब ये पूरा अर्थ देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, सार्थक अर्थ देता हो. और वेल अरेंज ऑफ वर्ड्स, इसका जो वर्ड्स होते हैं उनका वेल अरेंजमेंट होना चाहिए. और जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस सेंटेंस. क्या कहते हैं हम इनको, सेंटेंस. सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य. जैसे हम किसी से बात भी करते हैं तो भी हम हिंदी में फ्रेम करके एक सेंटेंस को बोलते हैं. और एन अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें क्या देता है, विच हैज अ कंप्लीट सेंस. एंड अरेंजमेंट एंड अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड मीन ऐसा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा हो जो कि हैज अ कंप्लीट सेंस. एक मीन क्या कह रहा है, जिसका मीन कंप्लीट होना चाहिए, हैज अ कंप्लीट सेंस, या ग्रुप ऑफ वर्ड विल मेक अ कंप्लीट सेंस. मीन बात क्या कह रहा है कि उसका मीन होना चाहिए, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. तो हम उसे क्या करेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे और सेंटेंस नहीं कहेंगे. तो व्हेन यू सी अ सेंटेंस, दिस सेंटेंस है, दिस इज अ सेंटेंस और दिस इज नॉट अ सेंटेंस, तो हाउ कैन यू से दैट. जैसे मैंने बोला इसमें एक फ्रेमिंग वर्ड होता है, फ्रेमिंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट, इस रूल पे फॉलो करता है. तो जो हमारा कोई भी सेंटेंस फ्रेम करता है, फर्स्टली हम चेक करते हैं सब्जेक्ट, सेकंड चेक करते हैं वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, और जो कि प्रॉपरली तरीके से रखा हो. जैसे मैंने बोला वी शुड टच द फीट ऑफ आर पेरेंट्स, यानी हमें अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए, ठीक है. और फिर नेक्स्ट मैंने बोला दिस इज नॉट माई बैग, ये मेरा बैग नहीं है. दिस इज नॉट माई क्लास, ये मेरी क्लास नहीं है. आई एम नॉट योर टीचर, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, है ना. व्हाट्स योर नेम, तो इसका मतलब ये मैं रूटीन टू रूटीन अकॉर्डिंग टू अ फ्रेमिंग टू सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ड को देन वर्ड टू वर्ड क्या करते हैं, रखते हैं, उसका सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. प्लीज स्लीप क्वाइटली, शांति से बैठिए, सिट डाउन, सिट अप, है ना, पुट इट, जो भी है, कोई भी चीज़ उठा के रखो या उठाओ. तो सब्जेक्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जहाँ पे हमें सेंटेंस में हु का रिप्लाई करें, कि हु डू द वर्क, किसने काम किया या कौन करता है उस काम को, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टच द फीट ऑफ आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए. तो वी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट. आई सिट क्वाइट, मैं कैसे बैठी हूँ, क्वाइट बैठी हूँ. यू आर लाफिंग, आप क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना. तो वहाँ पे कौन हंस रहा है, यू, यू आर लाफिंग. तो यू वहाँ पे किसका रिप्लाई कर रहा है, हु का. जैसे मैंने बोला आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, हु रीड अ बुक, आई एम लाफिंग, हु लाफिंग, है ना, हु इज लाफिंग, आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ. यू आर बोरिंग, है ना, तो हु इज बोरिंग, यू आर बोरिंग, या राम इज बोरिंग.
तो इसमें कहने का मतलब है जब हमें हु का आंसर मिल गया उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. द नाउन और प्रोनाउन दैट रिलेटेड टू द स्टेट और एक्शन रिलेटेड टू द स्टेट और एक्शन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. नाउन और प्रोनाउन आई वी यू वी दे नेम और ये किसी का नेम भी होते हैं. ये सभी क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं. जैसे मैंने किसी का नाम बोल दिया राम और राम की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया ही, तो वो क्या हो गया? राम तो नाउन था, उसकी प्लेस पे मैंने क्या कर दिया? प्रोनाउन वर्ब ही. ठीक है. और उन दोनों द नाउन और प्रोनाउन द रिलेटेड टू द स्टेट और एक्शन. ठीक है. रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ एन एक्शन से जुड़े होते हैं वो हमें सब्जेक्ट होते हैं. ऊपर जो रिप्लाई देते हैं वो सब्जेक्ट करते हैं. जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर ऊपर रिप्लाई दिया जाता है वो सब्जेक्ट होता है. वर्ब हमारी एक्टिंग वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्टिव वर्ब भी होती है, मॉडल वर्ब भी होती है. वी जैसे अब वर्ब मैंने बोला वी हैव डू नेक्स्ट एंड वी वर्क. वी इज आरम वॉज वर्क हैदराबाद टूडा जेट और कैन कोड मे माइंड. ये क्या है? एमबी वर्ब है यानी मॉडल वर्ब है. उसके बाद जो मेन वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड होते हैं. सारी चीजें हमारी क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. अकॉर्डिंग टू अ टेंस हम भी पुट इन अ सेंटेंस. हम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस वी पुट इन अ सेंटेंस. यानी सेंटेंस को मेक करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू सेंस अकॉर्डिंग टू अ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करते हैं. ठीक है. और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट व्हाट टू डू. आपने क्या किया, आप क्या करते हैं, है ना? व्हाट डिड यू डू और व्हाट डिड यू डू. तुमने क्या किया, तुम क्या करते हो. और क्या का जब आंसर देता है ऑब्जेक्ट में, जब क्या का आंसर आता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. तुमने खाया, क्या खाना. मैं गाता हूँ, क्या गाना. ठीक है. समझ में आया? जब क्या का सेंस आई ईट फूड लगा. आई ईट वॉट फूड. आई ईट फ्रूट वॉट फ्रूट. आई रीड वॉट बुक. ठीक है. समझ में आई? जहाँ पे क्या क्या आंसर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्म. क्या बोलते हैं? कर्म. पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारा होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए बोला द नाउन और प्रोनाउन दैट रिलेटेड टू द स्टेट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ एन एक्शन वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि जॉर्ज इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज इनोसेंट बॉय, सीता इज अ बैड गर्ल. ठीक है. इस तरीके से तो जॉर्ज, राम, सीता यहाँ पे क्या हुए? सब्जेक्ट. वो नाउन और प्रोनाउन का वर्क कर रहे हैं. किसका कर रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन का. तो हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर. डूअर मीन्स होता है काम करने वाला. जो सेंटेंस में काम करता है ऊपर रिप्लाई करता है वो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं. क्लियर? गॉट इट और नॉट? गॉट इट. ठीक है. यू सेंड सम एग्जांपल रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी टॉट रिलेटेड टू अ प्रेडिकेट द रीच पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. द रीच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सपेक्ट द सब्जेक्ट दैट प्रोवाइड द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट इज अ कॉल्ड अ प्रेडिकेट. यानी कि इसका कहने का मतलब सब्जेक्ट के आफ्टर जो भी चीजें दी होती है वो सारी प्रेडिकेट कहलाती है. सब्जेक्ट आफ्टर प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट आफ्टर जो भी चीजें दी होती है वो सारी रीस्ट ऑफ द पार्ट. रीस्ट ऑफ द पार्ट किसका? सेंटेंस का रीस्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस का जो भी रीस्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद वो सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. आप ऐसे बोलते हैं सब्जेक्ट आफ्टर ऑल पार्ट कॉल्ड अ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को हम बोलते हैं हिंदी में विदे. जैसे मैंने बोला क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर प्योर एट हार्ट. जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट बिल्कुल क्या होता है? शुद्ध होता है. किसी भी तरीके का विकार नहीं होता, किसी भी तरीके की उनमें बुराइयां नहीं होती. वो धीरे धीरे सीखते जाते हैं. ठीक है. तो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, कोमल हार्ट के होते हैं. जैसे मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, तो आई इज अ सब्जेक्ट, आई एम अ टीचर हमारा पार्ट हो गया प्रेडिकेट. आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू राइट योर प्रॉब्लम. Okay, thank you.